नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। अगस्त माह में हिमाचल के लोगों को मिली राहत, सस्ता हुआ व्यावसायिक LPG सिलेंडर। 3 अगस्त को होगी हिमाचल कैबिनेट की अगली बैठक, आउटसोर्स पर चर्चा होने की उम्मीद। मुकेश पर भड़के कृषि मंत्री, बोले पहले ये बताएं किसने बंद की थी पुरानी पेंशन। जल रक्षकों की टूल डाउन स्ट्राइक, DC ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी होने तक शिमला में रहने का ऐलान। महादेव की पवित्र स्थली किन्नर कैलाश के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, गोविंद सागर झील में डूबे पंजाब के 7 युवक। अब समाचार विस्तार से। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे LPG सिलेंडर के दामों से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। हिमाचल में व्यावसायिक LPG सिलेंडर 36 रुपए सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में मात्र 1 रुपए की कमी की गई है। व्यावसायिक LPG सिलेंडर लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को 2174 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लोगों को ये राहत आज यानी 1 अगस्त से मिलना शुरू हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की अगली बैठक 3 अगस्त को CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही है। बैठक में आउटसोर्स पॉलिसी पर मोहर लग सकती है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के पॉलिसी बनाने को कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है। इस कमेटी की कुछ दिन पहले ही बैठक हुई है। इसमें आउटसोर्स कर्मियों का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। इस पर CM जयराम ठाकुर के साथ भी सब कमेटी बैठक कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य इससे सुरक्षित हो जाएगा। इसी तरह कैबिनेट में CM जयराम ठाकुर द्वारा अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में की जा रही घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। हरोली युवा कांग्रेस की युवा आक्रोश रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा CM जयराम ठाकुर के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कड़ा पलटवार किया है। ऊना में कृषि मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बेहद निम्न स्तर की बयानबाजी पर उतर आए हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा युवा आक्रोश रैली के दौरान की गई बड़ी बड़ी घोषणाओं पर चुटकी लेते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में मंच से नेता प्रतिपक्ष द्वारा माता चिंतपूर्णी की कसम उठाए जाने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को ये बताएं कि पुरानी पेंशन स्कीम को किस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बंद किया था। हिमाचल प्रदेश जल रक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जल रक्षकों ने टूल डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है और सोमवार को राजधानी शिमला में प्रदेश भर से जल रक्षक एकत्रित हुए। इस दौरान जल रक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शिमला के DC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक शिमला में रहने का ऐलान किया। हिमाचल जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल का कहना है कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊजी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है,
परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा, इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जिला किन्नौर के पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा को आज यानी सोमवार को प्रशासनिक तौर पर शुरू कर दिया है। आज दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 96 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा पर रवाना हो गया। रविवार को यात्रा के प्रथम पड़ाव तांगलिंग में स्वास्थ्य जांच के बाद ही इन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन जबकि 36 ने ऑफलाइन पंजीकरण करवाया था। आज से शुरू हुई किन्नर कैलाश यात्रा 15 अगस्त तक चलेगी। करीब 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार करने के बाद शिव भक्त महादेव के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा को सुगम बनाने के लिए जगह जगह पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और तांगलिंग गांव के इष्ट देवता परका शांकरेश किन्नर कैलाश यात्रा संचालन कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था दिनेश पार्क और शाकार नामक जगह पर अस्थायी शिविरों में की गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोविंद सागर झील में 7 युवक डूब गए हैं। सभी युवक मोहाली पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवक गोविंद सागर झील में नहाने उतरे थे और अचानक से डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस थाना बंगाणा से मिली जानकारी के मुताबिक गांव कोलका बाबा गरीबदास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में करीब 3:50 पर यह हादसा हुआ। 4 युवक किसी तरह पानी से बाहर निकल गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। सन मौके पर पहुंचे और शवों की तलाश शुरू की। गोताखोर झील में उतरे जिसके बाद सभी शव बरामद हुए। एसडीएम बंगाणा योगराज दीवान ने कहा कि गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अम्मा। हाँ। तैयार हो गया हूँ मैं, अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आ जा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।